In the given figure, the masses of A and B are 4 kg and 12 kg respectively. When the system is released from rest, find the time after which the block B will hit the ground. So, हमें निकालना है कि B block जो है वो कितनी देर में गिरेगा, 20 मिनट ट्रैवल करना है उसे. तो देर का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज T बराबर 2H by A. तो हमको पता है H कितना, वो तो 20 है, तो 2 into 20 divided by A, that will be 40 upon A. तो हमें पता चल गया, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है इस ब्लॉक का. तो खैर मार्क करते हैं टी, टेंशन टी, यहाँ 2T, यहाँ भी 2T, यहाँ 40 और यहाँ भी 40 और 40. तो यहाँ क्या आ जाएगा 8T. तो इससे हम रिलेशन निकाल सकते दोनों के एक्सेलरेशन में. मान लेते हैं नीचे आ रहा है x1 डिस्टेंस, तो इसके लिए उसे ऊपर जाना पड़ रहा है x2 डिस्टेंस. तो वी कैन राइट टी एक्स वन इज इक्वल्स टू 8T x2, एंड द सेम रिलेशन विच इज इन डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी विद इन एक्सेलरेशन. तो ये तो हमने निकाल लिया, a1 a2 बराबर होगा. जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये रिलेशन काम आएगा. अब इक्वेशन लिख लेते हैं, हमने इसको नीचे आता हुआ माना, तो एफ बी टी क्या बनेगी, ये एम जी है, तो मानेंगे एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए. अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है 8T नीचे, व्हाट इज द मास, मास इज 4 kg. एंड अच्छा हमें वैल्यू रख लेनी चाहिए थी, ठीक है. तो ए का 4 kg है, बी का 12 किलो है, तो बी मास तो ये है 12 किलो, 12g माइनस टी इज इक्वल्स टू 12 है. और 8T वाले का मास कितना है, डेट इज 4 kg, तो वी राइट 4g. और ये ऊपर जा रहा है, तो वी कैन राइट 8T माइनस 4g इक्वल्स टू 8a. सो इसको 8 से गुणा करके नीचे लिख देते हैं, तो 12 8 96 g माइनस 8t इज इक्वल्स 12 8 96 a. सो दिस गेट्स कैंसिल, वी गेट 92g अपॉन 104 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. तो कितना हो जाएगा ये, 920 डिवाइड बाई 104 हो जाएगा. इनफैक्ट वी कैन राइट 10.4 × 10 लिख सकते हैं, और ये आपका गया. तो अप्रॉक्सीमेटली आई एम गेटिंग 9, अगर 10 90 फ्लो ऊपर है, सो आई एम गेटिंग 9 m/s² एज द एक्सेलरेशन. पुट इट हियर, वी गेट ए टाइम इज इक्वल्स टू 40/9, ठीक है. तो वैसे वेरी क्लोज टू बींग 4, सो आई कैन राइट वेरी क्लोज टू 2 seconds एज द करेक्ट आंसर. क्योंकि अगर 9 की जगह 10 ले लें तो 4 आ जाएगा, 4 का square root 2 होता है. हालांकि हल्का बड़ा सा 2.05 या 2.1 के आसपास का टाइम लगेगा इसको नीचे पहुंचने में.